ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन उपायुक्त कार्यालय में जिला शिकायत निवारण समिति की द्वितीय बैठक आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजीव सैजल, कैबिनेट मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता विभाग द्वारा की गई। इस मौके पर स्थानीय विधायक कर्नल धनीराम शांडिल, उपायुक्त सोलन, भाजपा नेता, सभी विभागों के अधिकारी और गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे। इस बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और समस्याओं का जल्द से जल्द निपटाने के दिशा निर्देश भी जारी किए गए। सोलन उपायुक्त कार्यालय में जिला शिकायत निवारण समिति की द्वितीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजीव सैजल, कैबिनेट मंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता तथा सहकारिता ने की। इस मौके पर स्थानीय विधायक कर्नल धनीराम शांडिल, डीसी सोलन केसी चमन, भाजपा नेता, सभी विभागों के अधिकारी और गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे। इस बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने के दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में न आने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। कैबिनेट मंत्री राजीव सैजल ने बैठक में न आने वाले अधिकारियों को सख्त हिदायत दी डाली। उन्होंने कहा कि बैठक लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए की जाती है, ताकि समय अनुसार उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके, लेकिन कुछ अधिकारियों का बैठक और जनमत जैसे कार्यक्रमों में आनाकानी करना उचित नहीं है। ऐसे अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आयोजित बैठक में बिजली विभाग की ज्यादातर समस्या लोगों द्वारा देखने को मिली। इस पर मंत्री ने उन्हें फटकार लगाते हुए कड़े दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि विभाग को पहले अवगत कराना चाहिए कि आज शहर में बिजली व्यवस्था नहीं रहेगी। ऐसे अधिकारी थे जो आज इस बैठक में नहीं थे, और मैंने जिलाधीश महोदय को कहा है कि ये अक्षम्य है, माफ नहीं किया जा सकता। लोगों की शिकायतों को हम हल्के में ले नहीं सकते। सरकार का भी, अधिकारियों का भी, कर्मचारियों का भी सबसे बड़ा उद्देश्य जो है लोगों की समस्याओं को दूर करना है, तो उनके ऊपर कार्रवाई के लिए मैंने कहा, और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि नियमानुसार जो है कड़ी कार्रवाई की दिशा में यहाँ पर लगातार कड़े लग रहे हैं। तो विभाग को इस बारे में अवगत करवाया गया है, अखबारों के माध्यम से भी और लोगों के माध्यम से भी, किस प्रकार से यहाँ पर लोगों को कट्स जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं, ऐसे कट्स जो पूर्व घोषित नहीं है। तो इसको विभाग को तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, और ऐसी महोदय उन्होंने खुद जो है उसको रिस्पॉन्ड किया है, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि भविष्य में इस प्रकार का जो है वो विभाग की तरफ से कोई ढीलापन जो है वो